हेलो लर्नर्स, वेलकम टू MS स्टडी गुरु। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स के, NTA NET के सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है, ये जो न्यूमेरिकल्स हम आज सॉल्व करेंगे। तो इनमें से मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं आज इसके आंसर्स प्रोवाइड करूँगी विद एक्सप्लेनेशन। बाकी के न्यूमेरिकल्स जो हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते ही रहेंगे। देखो, ये न्यूमेरिकल है, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता करनी है हमें, एंड क्वांटिटी भी गिवन है। तो इस न्यूमेरिकल में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लगाना है, डेरिवेशन करनी है हमने डी क्यू ओवर डी पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले हम डी क्यू ओवर डी पी अगर फाइंड करेंगे ये वाली इक्वेशन से, देखो चाहिए तो हमें डी क्यू ओवर डी पी है, इलास्टिसिटी का फार्मूला जो है ये होता है, लेकिन इस इक्वेशन से हमारा डी पी ओवर डी क्यू जो है वो फाइंड होगा। तो बाद में हम इसका उल्टा कर देंगे। ये आ गया माइनस वन माइनस, इसे 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डी पी ओवर डी क्यू। अच्छा, ये हमारे पास अब आ गया है डी पी ओवर डी क्यू। इसके बाद हमें क्या चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए। पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये जो सारी इक्वेशन है ना पी वाली, इसमें क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इस इक्वेशन में अगर क्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 16 माइनस 4 12, और यहाँ पे क्यू का स्क्वायर किया तो आ गया 16। 16 को हम 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास पी जो है वो 4 बच गया। अब हमने ये सारा कुछ यहाँ पे पुट कर देना है। माइनस वन माइनस क्यू में भी अगर हम 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस फाइव आ जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ हम यहाँ पे पुट कर दें। अब देखो, हमने जो निकाला था वो डी पी ओवर डी क्यू था, लेकिन हमें चाहिए डी क्यू ओवर डी पी, इसलिए इसका इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/-5 मल्टीप्लाई बाय पी की वैल्यू हमने निकाली 4, एंड क्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 4। कटिंग हो गई 1/5, 1/5 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2। देखो, जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं तो ये जो हमारा इलास्टिसिटी वाला फार्मूला है ना, इसके साथ माइनस का साइन ऑलरेडी होता है वैसे भी, तो हमारा यहाँ पर अगर माइनस आ जाता है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फार्मूले वाला माइनस और ये माइनस जो आपस में कट जाएंगे। ये माइनस का साइन इसलिए आता है क्योंकि प्राइस एंड डिमांड में जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, एंड प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, इसलिए ये नेगेटिव का साइन आता है। तो अगर सॉल्यूशन के बाद भी हमारा ये नेगेटिव का साइन आता है तो ये कट हो जाएगा फार्मूले वाले माइनस के साइन से, तो आंसर हमारा 0.2 आ गया। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल, ये देखो, ये ISLM मॉडल का ये न्यूमेरिकल है। मोस्टली ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स को टफ लगता है। हमने न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करना है, देखो आपके पास कंजम्पशन की इक्वेशन है y की टर्म्स में, इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट की टर्म्स में, और आपको IES की जो फंक्शन है वो पता करनी है। IES की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट सेविंग। तो इसकी जो इक्वेशन है पता करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, IS = C + I + G। ठीक है, C हमारे पास है 0.75y प्लस इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 110-0.25i प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो उसे हम ऐड ही नहीं करेंगे। इक्वेशन वैसे ये होती है, पर हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है। अच्छा, तो ये इक्वेशन है, ये जो IS है ना, ये y के साइमल्टेनियस है, मतलब यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ गई है y =
0.75 प्लस 110 माइनस 0.25 आई, ये आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ वाई है, हाँ तो अब हम क्या करेंगे, ये जो y वाली टर्म्स है ना इन्हें एक साइड पे ले जाएंगे, मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे y माइनस 0.75 y इक्वल टू 110 माइनस 0.25 i। ठीक है, y में से 0.75 y माइनस 0.75 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.25 y, 0.25 y इक्वल टू 110 माइनस 0.25 i। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद ना हम डिवाइड कर देंगे इसे, 0.25 को उधर लेके जाके दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, 110 डिवाइड बाय 0.25 माइनस 0.25 i ओवर 0.25। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद जो आपके पास सोल्यूशन आएगा वो आएगा y इक्वल टू 440, इसे डिवाइड करने के बाद माइनस इनकी आपस में कटिंग हो गई, बच गया आई। ठीक है, तो ये सोल्यूशन सेकंड आ गया, y इक्वल टू 440 माइनस आई। तो ये हमारा आंसर है, होपफुली यू अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ आया होगा या कोई ऐसा और न्यूमेरिकल समझना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अच्छा, तो ये नेक्स्ट सम है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपको गिवन है, प्राइस गिवन है, हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट निकालना है। ऐसा सम तकरीबन हर बार जो है NTA NET के पेपर में आता है। अच्छा, तो इसे सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो हम MR इक्वल टू MC अप्रोच लगा सकते हैं। देखो जो कोई भी प्रोड्यूसर है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है वो MR एंड MC को इक्वेट करने पे ही आता है। MR इक्वल टू MC कंडीशन जो है ये परफेक्ट कंपटीशन पे भी लागू होती है, मोनोपोली पे भी होती है, मोनोपोलिस्टिक पे भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम MR इक्वल टू MC वाली कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की वो भी लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसका प्रॉफिट वाली इक्वेशन फाइंड करके उसका जो फर्स्ट डेरिवेशन करके उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दे तो तब भी हमारा जो क्यू है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके हैं क्यू निकालने के। प्रॉफिट हमने मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की इक्वेशन MR इक्वल टू MC जो होती है फर्म की, अगर हम उस तरीके से करते हैं तो भी हमारा क्यू निकल जाएगा। अगर हम प्रॉफिट की इक्वेशन निकाल के उसे उसका फर्स्ट डेरिवेशन करके इक्वल टू जीरो के पुट करते हैं तब भी हमारा क्यू जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसे अभी सॉल्व करते हैं। MR इक्वल टू MC अप्रोच से मैं करने जा रही हूँ। देखो MC हमने निकालना है, ये जो है टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है, इसका MC निकालने के लिए हमें जब भी हम टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो उसकी हम डेरिवेशन ही करेंगे। क्यू क्यूब है तो हम यहाँ पर हो जाएगा 3Q का स्क्वायर, 10Q का स्क्वायर है तो यहाँ पे हो गया 20Q प्लस यहाँ पे आ गया हमारा 1766 कॉन्स्टेंट है तो ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने MR निकालना है। MR निकालने के लिए हमें TR चाहिए। TR जो है टीयर का फार्मूला, टोटल रेवेन्यू का फार्मूला क्या होता है, पी मल्टीप्लाई क्यू। ठीक है, क्या होता है, पी मल्टीप्लाई क्यू मतलब प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो प्राइस हमारे पास जो गिवन है वो 5 है एंड क्वांटिटी जो है हमने क्यू ले लिए वो गिवन नहीं है। इसकी अगर हम डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, ओनली 5। तो हमने इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए दोनों को इक्वेट कर देना है, मतलब कि हमने 3Q स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 17 को इक्वेट कर देना है किससे, 5 से। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 3Q स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये जो है इक्वेशन ये बन जाती है। अब हम इस इक्वेशन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है इसे सॉल्व करने का कि हम इसके फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स बनाने थोड़े से मुश्किल हैं तो हम यहाँ पे डी का फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, डी का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी क्या है इसमें 20 है। ठीक है, बी जो ये है 20 का स्क्वायर हम सीधा ही लिख लेते हैं, 400 होएगा,
फोर ए सी, ए क्या है 3 है, सी क्या है 12 है, ठीक है ये सी है, 3 जो है ये ए है, 20 जो है वो बी है। तो ए सी 12 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 36, 36 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 144, ठीक है। इसको आप अगर माइनस करते हो तो माइनस करने पे आपको आपके पास आएगा 256, ठीक है ये आ गया 256। इसके बाद एक और फार्मूला लगता है, हमने एक्स क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्यू क्यू इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a, ये फार्मूला, ठीक है। माइनस बी, बी कितना है माइनस 20 है, तो माइनस माइनस कट जाएंगे हमारे पास आ गया 20 प्लस माइनस। अब डी, डी की हमने जो है वो अंडर रूट, अब डी का अंडर रूट करेंगे 256 का। अगर आपको अंडर रूट करना भी समझना है तो वो भी हम कर लेते हैं, बेसिक्स सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो 256 का हम डिवीजन मेथड से इसका अंडर रूट निकालने लगे, 256 इसमें क्या करना है, लास्ट से दो पेयर बना ले 56 के, आगे हमारे पास 2 बचा है, ये किस पे जा रहा है 1 पे, 1 का 1 नीचे बच गया हमारे पास 156, इसको प्लस कर लिया 1 + 1 हो जाएगा 2, ठीक है 2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, देखो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 के साथ, 6 का होता है 36, 6 × 12 = 13, 14, 15 ये आ गया, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे 156 एंड ये हो गया मल्टीप्लाई, मतलब हमारा 16 जो है इसका अंडर रूट आ गया है, 16 डिवाइड बाय 2। ए क्या था अभी हमारी इक्वेशन में, ए था थ्री। अब इसको आप अगर सॉल्व कर लेंगे, अगर हम प्लस के तरीके से इसे करते हैं तो 36 डिवाइड बाय 6 होता है। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 6। तो हम ये फ्रैक्शन वाली इक्वेशन नहीं लेंगे, हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, 6 को कटिंग करके हमारे पास आ गया 6, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू 6 आ गई है हमारे पास, अब देखो क्यू की वैल्यू जो है वो 6 आ गई, जो कि सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमने ये सम सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी ऐसा और सम समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी कंसेप्ट को लेके तो वो भी आप बता सकते हैं। आई होप यू लाइक दैट वीडियो, थैंक यू।